नमस्कार मित्रों, ध्यान यात्रा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मित्रों, पीछे जो मेरी चर्चा चली उसमें महाराज ने एक संकेत किया था ध्यान यात्रा में चलने के लिए किस प्रकार से संयोग बने, और हमारी चर्चा ये भी थी गृहस्थ और सन्यास। बहुत से लोग कहते हैं गृहस्थ को छोड़ दो और सन्यास में चले जाओ, आपको भगवान मिलेगा। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप गृहस्थ धर्म का अगर सदगृहस्थ हैं और गृहस्थ धर्म का अगर आप पालन करते हैं तो परमात्मा फिर भी मिलेगा। कहां पे अंतर है? ध्यान यात्रा का प्रमुख सूत्र है, क्योंकि आप जब ध्यान यात्रा में जाते हैं तो कहीं ना कहीं संसार होता है, वही तो गृहस्थ है ना। तो उस संसार को, उस गृहस्थ को किस प्रकार से क्रियाकलाप कैसे गुजरना चाहिए, क्या करना चाहिए, और सन्यासियों को वो गृहस्थ में भी रह करके कैसे, चर्चा इसकी होगी। और जैसा कि आप जानते हैं ये समय है ध्यान यात्रा का, और ध्यान यात्रा के जो आपको ले चलना चाहते हैं सबको ही, किसी एक को नहीं, पूरे सृष्टि को, पूरे संसार को, पूरे विश्व को, पूरे देश को, पूरे समाज को, ऐसे ध्यान यात्रा में के संयोजक ले चलने वाले, ध्यान यात्रा में आपको समाहित कर देने वाले, ध्यान में समाहित कर देने वाले परमादरणीय परम पूजनीय महायोगी पायल बाबा जी महाराज। हाँ प्रभु शुक्ला जी नारायण। महाराज श्री गृहस्थ का अभी थोड़ा सा मुद्दा नहीं, हम आप इस शुक्ला जी इसमें न जाएं, नहीं जाएं, हाँ, अपने आप आ जाएगा हमें। हाँ, देखिए हम मनुष्य हैं, हम गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं, वैरागी उदासी से कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, ये मेरा मन है। हाँ, क्योंकि लोग फर्क कर रहे नहीं, नहीं, ये तो मेरा मन है जी। मैं गृहस्थ हूँ ये मेरा मन है जी। मैं सन्यासी हूँ ये भी मेरा मन है। मैं वैरागी हूँ ये भी मेरा मन है। मैं उदासीन हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, क्रिश्चियन, ये आत्मा तो है नहीं जी। इसकी पहुँच आत्मा तक, मेरे नाम बदल देने से मैं आपको क्रिश्चियन बन जाऊँगा, ये तो बेवकूफ़ी है जी। ये तो अहंकार के परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ जी। संप्रदाय कहता है कि ये सब मन का आवरण है, ध्यान को इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। कहता मनुष्य तुम एक मैकेनिज्म हो जी, तुम्हारे में इंद्रियां हैं, तुम्हारे में अंतःकरण है, और इन सबको सक्रिय करने के लिए तुम्हारे में प्राण की चेतना है जी। प्राण और मन मिल करके ये संसार ब्रह्मांड चला रहा है, विश्व चला रहा है। केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य का शरीर भी एक ब्रह्मांड है, ये सारा विश्व भी एक यूनिवर्स ब्रह्मांड कहता है। इसमें प्राण की सक्रियता है, और प्राण गृहस्थ में भी है, प्राण पशु पक्षियों में कहता है कि जहाँ प्राण है वहाँ ईश्वर है। प्राण का जहाँ रमण नहीं है, प्राण का जहाँ पहचान नहीं, वो चीज़ अस्तित्व में है नहीं। इससे प्राणमय होकर के मन की सक्रियता बना करके हम गृहस्थ बन कर जी सकते हैं, और उस मन को प्राण के माध्यम से बैलेंस करके हम गृहस्थ होकर भी सन्यासी। अगर हम हिमालय पे हैं और वो अगर मन हमारा गृहस्थ में अटका हुआ तो फिर सन्यास प्रभु उसका कोई फायदा नहीं। सारा बद्रीनाथ गृहस्थ है। नहीं नहीं, अगर मान लो हम साधना कर रहे हैं और हमारा ध्यान यही लगा रहा है, इससे अच्छा गृहस्थ यही होता, यही तो होता है जी, यही तो हुआ है, कोई कोई सन्यासी बना है जी, सभी सन्यासी यहाँ बन गए जी। सभी तो एक परिवर्तन है जी। आपको कला कुर्ता पसंद है, हमको आपको गिरवा कर, यही इतना ही फर्क, इतना ही अंतर, और कोई फर्क नहीं है। अंदर से सब एक है, एक ही बराबर है, लड़ रहा है, जगर्स कर रहा है, मान सम्मान में जी रहा है, आपको दूसरे के लकीर पे चल रहा है। हाँ, कहा किसी संत ने कहा ना, कहते ना कि समाधि लगा लिया, अहंकार को छोड़ा नहीं, क्रोध को छोड़ा नहीं, है ना। कहता वो समाधि नहीं है, ध्यान में बैठ, कहता कि जिसने अपने को जाना अपने को जीता, कहता कि वो गृहस्थ सन्यासी हो, जिसके अंदर में ज्ञान जागृत हो गया, चेतना की पहचान बन गई, वो सन्यासी बन गया। हमारी अंतर चेतना, हमारी कहता स्लीपिंगनेस, अनकॉन्सियसनेस, हम अबोध बन करके है ना, हम नशे में जी रहे हैं, और सन्यासी कोई फर्क नहीं पड़ता है। गृहस्थ आपको परिवार के नशे में, अपनी बाउंड्री के नशे, अपने खेत के नशे, अपने कार के बंगले के नशे में, सन्यासी अपने आश्रम के नशे में है। आपको कहता है सब स्लीपी में, सब नशे में सोए हुए हैं, कोई जगह नहीं है लोग, इसलिए जगह नहीं है कि उसकी चेतना, अगर गृह आपकी चेतना, गृहस्थ की चेतना जाग गई तो सन्यासी है, अगर सन्यासी की चेतना सोई है तो गृहस्थ है। आपको बात समझिए ना, हमने वस्त्र पहना है, हम अचेतन हैं, हम होश में नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम संसार में,
हम वहाँ आपको एक बीबी होती उससे बाल बच्चे बढ़ाते हैं, यहाँ आपको गुरु मंत्र दे करके बाल बच्चे बढ़ा रहे हैं, परिवार तो पढ़ाई है, वो मेरा चेला है, मेरा नाती चेला है, मेरा पुत्र, कहते हैं ये कि अरेंज व्यवस्था, इसको ऑर्गेनाइज व्यवस्था बदल दिया है थोड़ा सा, बस करवट बदल दिया है। इसे कोई फर्क था कि जब तक से व्यक्ति की अवेकनिंग स्टेज, जब तक व्यक्ति अनकॉन्शियस से कॉन्शसनेस में नहीं आता, कॉन्शस नहीं हो जाता, ही इज नॉट सन्यासी। एवरी गृहस्थ इज अ सन्यासी, ही इज लिविंग विथ अवेयरनेस। इसका कहां से क्रम कहां से शुरू होता है? दृष्टा बनने की कोशिश, अपने को पहचानने की कोशिश, मैं वह नहीं हूं, मैं जो दिखाई पड़ रहा हूं यह नहीं हूं। ये एकदम से आता है कहीं से या कि धीरे धीरे आता? आपको कैसे आया? एकदम से आ गया, ऐसा छोड़ दिया, चल दिए? हाँ, जब आप किसी प्रेम में फेल कर जाए, ये 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 यही मैं पूछना चाहता हूं। जब आपके माता पिता आपको दुत्कार दें, जी 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 जी, जैसे प्रहलाद को, हाँ कहता है, जब आपको किसी ने आपके सम्मान के, आपके मान को ठोकर मारा, आपकी कॉन्शसनेस अवेकनिंग हो गई, क्यों झटका लगा, झटका लगा, वाल्मीकि बदल गए, वाल्मीकि एक ही लात में बदल गए, एक ही फटकारे बदल गए, तब आपको अंतर चेतना जागती है, बैराग, इसको होता बैराग, तब आप चिंतन बदल जाता है, विवेक रास्ता, विवेक का जागृत नहीं, और कोई नहीं है, और कोई रास्ता नहीं। जब तक से किसी के साथ घटा नहीं है, या तो बीबी से झगड़ गया, या तो भाई बहन से झगड़ गया, जमीन के लिए झगड़ा हो गया, मकान के लिए झगड़ा हो गया, किसी में सोचा क्या करना है, छोड़ो चल चलते हैं, तो घर घर में झगड़ा हो रहा है, कोई या काम कर, नौकरी नहीं मिला, काम नहीं मिला, काम करने का मन नहीं कर रहा, चलो भाई मंदिर में बढ़िया से जी लेंगे, आजकल के सन्यासी ऐसे बने जाते हैं। नारी वो एक ग्रह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए हुए सन्यासी, पत्नी मर गई को भोजन कौन देगा, चलिए सन्यासी, ऐसे भी बहुत से आजकल प्रेजेंट यही है आपको। अच्छा, आजकल आज के युग में बड़ा आमदनी है साधु महात्माओं का, आज का युग है, आज का जितने कथाकार मिल रहे हैं ना, सब प्रोफेशनल कथाकार हैं, ये सोच के आते हैं कि चार साल पीएचडी करते हैं, इससे बजाय चलो चार साल कथा के पीएचडी कर ले और उसमें महारत हासिल करके, हाँ उसमें वाणी की धनी बन करके बोलने का अनुकरण कर, खूब शास्त्रों का अध्ययन, चार साल घर में बैठक किया, घर पर दीवार सही के लेक्चर दिया, घर वालों को लेक्चर दिया, एक बैग आपका बढ़िया सज सवज करके व्यास बनकर गद्दी पर बैठ कथा कर रहे हैं, इससे कि आमदनी बहुत है, लोगों को मूर्ख सहज में बनाया जाता है। हाउ टू फूल द पीपुल इजली ऑन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिज्म हैज बिकम ए सत्संग। इसलिए ये सब चीज़ें एक प्रोफेशनल हो गया है, बुरा नहीं मानेंगे संत, क्योंकि रियलिटी को कर रहा है, कुछ हो रहा है सामने, लेकिन क्या कहता है कि अगर उनको भी जागृति हो सकती है, कहता उसमें रह कर, जैसे मैंने कहा कि भीड़ में रह करके अकेले होना, जिस व्यक्ति को ये एहसास है परम तत्व परमात्मा या समाधि या ध्यान किसी में घटती है अकेले होने पर, अकेले होने का मतलब ये नहीं है आपको कि केवल गुफाओं में बैठ करके, कल कुटिया में बैठ के, पहाड़ के, ऐसा नहीं, कहीं भी आप अपने घर के एक रूम में चुपचाप अकेले हो सकते हैं। मीरा तो महलों में रही है। नहीं नहीं, आज भी ऐसे बात नहीं है, आपको बुद्ध को जैसे था ना, आपको देखे गौतम बुद्ध है, कुछ सब कुछ था, छोड़ दिया, लेकिन उस गौतम को भय लगा, बाद में जब लौट कर के आए हैं ना, तो जब लौट कर बुद्धत्व तो प्राप्त करके आए हैं, तो पत्नी पूछती है जो आपको वहां मिला वो यहां रहकर नहीं मिलता है, तो कहे कि आज मैं कह सकता हूं, उस वक्त नहीं कह सकता था, आज मैं कह सकता हूं को यहां मिल सकता है, मिल सकता है, यही मिल सकता है, जो वहां मिला वो यही मिल सकता है, भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, कहा आपने पत्नी से कहा, तो इसका मतलब आप डर करके भागे हैं, उसने कहा आपको मेरे से डर लगा, आप मेरे से पूछ नहीं सकते थे, मैं भी क्षत्राणी हूं, मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ, राजा की बेटी हूँ, मेरे में ही बल है, मैं भी चल देती साथ, मैं भी चल देती, नहीं मैं आपको छोड़ सकती, कर सकती, आज्ञा दे सकती थी, लेकिन आप मेरे से मिले नहीं, हिम्मत नहीं की, कितने कायर अब थे, बुद्ध ने स्वीकार किया कि हाँ, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि यहाँ मिल सकता है, हम लोग आज, अब हम लोग भी कह सकते, भगे अब हम लोग भी कहते हैं, कोई लाता है, हम लोग कहते हैं क्या सन्यास लेकर क्या करोगे,